ग्वालियर में एक 19 साल की छात्रा की बाइक सवार दो बदमाश युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों का टारगेट मृतक छात्रा के पीछे बैठी दोस्त थी, जिसकी आरोपी हत्या करने वाले थे। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी सहित सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से मृतिका की सहेली का परिवार संतुष्ट नहीं है। मृतिका के दोस्त की मां का कहना है कि जिन अपराधियों ने बच्ची को मौत के घाट उतारा, उन्हें समाज में जीने का कोई हक नहीं है। वारदात हुआ है, जिसके अंतर्गत कोचिंग से लौट रहे थे दो छात्राओं को कुछ बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दिया, जिस पर से पुलिस ने घटना को आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई। उसमें FIR में कुछ नाम आए थे, एक सुमित रावत और उपदेश रावत करके दो नाम FIR में आए थे, और बाकी कुछ अपराधियों का नाम अज्ञात में थे। इसके चलते पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए अनेकों टीम बनाई और बदमाशों का जगह जगह पे तलाश किया गया है। विगत 24 घंटों में पुलिस को सफलता मिलते हुए इसमें कुल सात आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी सुमित रावत जो मुख्य आरोपी है, उसमें 30,000 का इनाम भी था, और उपदेश रावत इसका भाई को भी गिरफ्तार किया गया। एक शिवा तोमर, शिवम गुर्जर, सूरज सिकरवार, विशाल कोरी उर्फ विशाल शाख भी लिखते हैं आरोपी, और एक बाला सुर्वे, ये पूरे आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया।